मैं प्रतीक्षालय में पहुंच चुकी हूं और आज मुझे जल्दी जल्दी जाना था, लेकिन मेरे है भाई क्या बोलो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन पहाड़ों से मेरे YouTube चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग अब हो रही है, काफी लेट से हो रही है और आप लोग मौसम देख सकते हैं, चारों तरफ से कोहरा लगा हुआ है, अंधेरा। तैयारी हो गई है ट्यूशन जाने की और मैंने पहले मार्केट जाना है और उसके बाद जाना है मैंने गांव, और गांव में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार मार्केट चलते हैं। मार्केट तो हमारे कोटमा मार्केट में काफी सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन आजकल जो लोकल गाड़ियाँ हैं ना सारी कोटमा में ही खड़ी हैं। तो चलिए जी, मैंने मार्केट का काम निपटा दिया है। मैंने मार्केट से दवाइयाँ लेनी थी सासू माँ के लिए, क्योंकि सासू माँ को थोड़ा थोड़ा बुखार है, शायद तबीयत ख़राब हो रही है उनकी, तो मैं इसी लिए घर जा रही हूँ। तो दवाई लेके मैं आ गई हूँ अपने घर पर और जा रही हूँ अब श्यामपुरगढ़। तो ये जो इतना बड़ा पेड़ टूटा हुआ था, आजकल लोगों ने ना थोड़ा रास्ते से हटा दिया है। मैं तो रास्ते में बहुत परेशानी हो रही थी जाने के लिए, ये ऐसे काट के अलग कर दिया है सबने। ये देख, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ इस वाले फील्ड में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 कट्टे भी बिछा रखे हैं। यहाँ पे जो बंदरों को भगाने की ड्यूटी पे हैं वो यहाँ पे 2 कट्टों में बैठ के रहेंगे और यहाँ सामने पुल पे खड़े हैं वो, ये देख सकते हैं। यो पार पचिन जी यहाँ पुल पे तो बंदरों की ड्यूटी दे रहे हैं और यहाँ से बढ़ के उस पार देखो एक बंदर बैठा हुआ है। और गांव जाने वाले रास्ते में आप लोग देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल हो रखा है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा भी हो रखा है इन पेड़ों के नीचे। फाइनली मैं प्रतीक्षालय में पहुंच चुकी हूं और आज मुझे जल्दी जल्दी जाना था, लेकिन मेरे पैर ऐसे थक रहे कि क्या ही बताऊं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चल लूँ ना तो हर 5 मिनट के बाद मेरे पैर थक रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है पैरों में। अब वो भी चढ़ाई वाला रास्ता है, तो चढ़ाई वाले रास्ते में तो ऐसा होगा ही। और फिर हमारे रास्ते में ना पानी का नल नहीं है, यहाँ पे है पानी का नल, वो भी आज से बरसाती पानी बहुत आ रहा है उसमें, तो वहाँ पे भी पानी नहीं पीऊँगी मैं, क्योंकि खांसी जुकाम हो रहा है हम लोगों को। और आजकल ना यहाँ पे IFU भी चल रहा है और साथ में उसके साथ बुखार भी चल रहा है, तो पानी तो उबाल के ही पीना पड़ेगा मुझे। एक बार घर चलते हैं तो घर में देख लेते हैं क्या हाल चाल है, घर में भी सासू और ससुर जी का, चलिए फटाफट चलते हैं। और आजकल ना मैं जो सटड़ी साड़ थी खूब जमोरा, उसमें जमोरे की बालियाँ, धान की बालियाँ रखी हैं। और इस वाले किनारे पे आप लोग देख सकते हैं ये उजाड़ वालों ने खाया, यानी गाय और जो खच्चर आए होंगे उन्होंने पूरा चर के बर्बाद कर रखी है फसल, यहाँ पे तो एक भी नहीं हो रखा। और चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रखा है और जब बारिश होगी तो बहुत ही खतरनाक वाली बारिश होगी, ये देखो। और मैं कोटमा से अभी पहुंची हूँ यहाँ पे, मैं कुसियासुगढ़ में पहुंच गई हूँ गाँव के जो ऊपर, ठीक यहाँ पे ये जो ऊपर वाले घर है ना वहाँ भी टूटने का खतरा है, जो वो घर हैं वो खिसक रहे हैं। पहुँचने वाली हूँ घर पे, घर पे तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। सॉरी प्रणाम, तबियत ठीक जी? कौन है तबियत जी? कौन याक्षिन की पोस्ट? तो यहाँ अंदर सो रखे हैं जी। हे जी, हे जी, ये अब जी प्रणाम। हे भाई क्या बोलो, हैं
रिंग वोनी ये ब उल्टी भी वोनी नी वोनी पानी के तो बीच दबा खेद ना याद नहीं तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। मैंने रख दी है चाय, चाय ससुर जी के लिए बनानी है और साथ मैं गूंथती हूँ मैं आटा, क्योंकि सुबह से ससुर जी लोगों ने कुछ नहीं खाया है तो मैं खाना बना लेती हूँ, एक बार रोटी बना लेती हूँ। और कल की बारिश से हमारे घर के पीछे जो स्कूल है ना उसका पूरा बरामदा नीचे आ चुका है और अगर टूटेगा तो पूरा यहाँ ऊपर से आएगा, वो हमारे घर पे आने वाला है। और हमारे घर के सवड़े का जो ये पगार है ये भी यहाँ पे खिसक गया है, यहाँ पे टूट गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर वाला पानी आता है। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास है चचंडे का लगला और यहाँ पे ना चचंडा भी लग गया है। ये देखो इस साल की पहली सब्जी लगने लग गई है और बहुत सारे फूल। हमारी छत के चारों तरफ जो कंटर लगा रखे हैं, जो गमले लगा रखे थे, उसमें हमने इस बार के दाल बो रखे हैं, बीन्स एक ही बेल बो रखी है तो उसपे थोड़ा थोड़ा बीन्स लगी हैं, बाकी इसमें रयास बो रखी है हम लोगों ने। साथ में हमारे पीछे वाले सगड़े में बहुत सारी ड्राई भी हो रखी है, ये सासू माँ ने पता नहीं कब बोई और इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। साथ में ये है छेमी यानी राजमा की बेल हैं और साथ में दाल और यहाँ पर टमाटर भी बहुत सारे हो रखे हैं। साथ में हमारे बगल पे है धान के खेत हैं तो यहाँ पे अच्छी धान हो रखी है आजकल। मैंने धोने हैं ये वाले कपड़े क्योंकि जी के कपड़े ऐसे भिगा के रखे हुए हैं तो इनको धो लेते हैं एक बार फटाफट से। रात के 8:30 हो रहे हैं और बाहर इतनी भयंकर बारिश हो रही है और साथ में ना जी भी उठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जी को ना सर घूम रहा है जी का, तो जी उठ ही नहीं पा रहे, ऐसी भयंकर हो रही है। और साथ में हमारे उस वाले कमरे के पीछे ना बहुत भयंकर टूटने के लिए हो रखा है।